Hello and welcome to the second part of analysis of Delhi University LLB entrance 2019. I am Aditya and I am watching the Social Indian, and we have discussed 18 to 20 questions in last video, and we will be discussing around 60 questions in this video. So you will get a clear cut idea ki aapka exam kaisa hua hai, aapka exam mein aapke kitne marks aayenge aur kitni lagbhag cut off rehne wali hai, uska to andaaza abhi tak nahi aaya hai, kyunki hum pura analysis jab denge teesre part mein tab hum aapko batayenge ki kitni cut off ja sakti hai, kya hamara analysis hai और क्या कहता है आज का स्टूडेंट, जो ओपिनियन चल रहा था, ओपिनियन बाहर क्या चल रहा है, तो उसके बारे में हम आपको बताएंगे अगली वीडियो में, जो होगा पार्ट थ्री। और आज की इस वीडियो में हम लगभग 60 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिनमें से शुरू के 20 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए थे आपके साथ, फिर भी मैं उन्हें रिवाइज करूंगा। अगर आप चाहें तो एक्सप्लेन्ड सॉल्यूशंस के लिए पूरी वीडियो देख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। अब सबसे पहला क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किया था वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे का था, वो था 26 अप्रैल। फिर आता है फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो इंडिया में कभी नहीं लगी है। तीसरा शेड्यूल 7 के ऊपर था, जो है डिवीजन ऑफ पावर्स। चौथा था प्रेसिडेंशियल रेजिग्नेशन पर, वो था वाइस प्रेसिडेंट को देते हैं। फिर आता है पेटेंट एक्ट, कितने साल के लिए मेंटेनेबल था, वो था 20 साल के लिए। जल्दी जल्दी इसलिए बढ़ रहा हूँ क्योंकि हमने पहले डिस्कस किए हुए हैं, डिटेल में सोल्यूशन अगर आपको चाहिए तो पिछली वीडियो को देख लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे 60 क्वेश्चन पे पहुंचूं तो पूरी वीडियो को पूरा देखिएगा। अब आर्टिकल 15(4) के बारे में बताया गया था, तो वो हमने कल रिजर्वेशन की बात कर ली थी। रिस्ट्रेंट्स ऑफ मैरिज जो है वो अवॉइड होते हैं, ये भी हमने कल बात कर ली थी। इंडियन फिलोसफी की किताब किसने लिखी, राधाकृष्णन जी ने लिखी। अब सर्वेलेंस और कनोइजर, कल हमने कनोइजर के बारे में बताया था, लेकिन सर्वेलेंस की स्पेलिंग भी पूछी गई थी, तो सर्वेलेंस की स्पेलिंग आप चेक कर लीजिएगा कि आपकी सही है कि नहीं है। अब राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, दैट इज राइट टू एजुकेशन आरटीई, 2009 में आई थी और 21 ए में जुड़ी थी, यानी आर्टिकल 21 ए में आई थी। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने पास किया था, तो नेहरू जी ने पास किया था। आगे बढ़ते हैं गोल्डन ट्रायंगल, तो आर्टिकल कौन कौन से हैं आप मुझे कमेंट में बताइएगा, अगर आपने पिछली वीडियो देखी थी। गोल्डन ट्रायंगल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कौन कौन से हैं, शेरनीबादी के बारे में हमने बताया था, नोबेल प्राइज, ईरान। अब इट क्लॉज में कौन है इंडिया से जज है, वो है नीरू चड्डा जी। साथ साथ हम आपको बता रहे थे कि जलाईकट्टू के बारे में, जलीकट्टू जो है वो तमिल गेम है बुल फाइटिंग का, उसके बारे में हम बात कर चुके हैं। पैसिव यूथनेशिया के बारे में हम बात कर चुके हैं। राइट टू डाई विद डिग्निटी कौन सा केस है, कल भी मैंने पूछा था, कॉमन कोर्स लोगों ने बताया था, बहुत सही उत्तर है आपका। अब 19th क्वेश्चन ये था कि इनमें से कौन जो है वो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट में नहीं होता है, मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इलेक्शन में कौन सही भूमिका नहीं निभाता है, तो उत्तर था स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब हम आते हैं 20वें क्वेश्चन पर, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में क्वेश्चन था वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से, और जो उसका आंसर आता है वो आता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब एविडेंस किस भाषा में रिकॉर्ड किया जा सकता है, तो उसके लिए ऑप्शन थे आपके पास कौन कौन सी भाषा में किया जा सकता है, तो वो होगा स्टेट लैंग्वेज और इंग्लिश। ये सीधी सी बात है, अगर कॉमन सेंस भी आप लगाते हैं, लॉ की नॉलेज आपको नहीं भी है तो भी ये चीज़ें पॉसिबल है, क्योंकि स्टेट लैंग्वेज तो इसलिए दी गई है ताकि जो लोकल लोग हैं जिनको इंग्लिश की नॉलेज नहीं है, कोर्ट की लैंग्वेज की नॉलेज नहीं है, वो अपनी भाषा में एविडेंस दे पाए और ज़्यादा से ज़्यादा कोर्ट के पास जो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन आए, सच्ची इन्फॉर्मेशन आए, तो उसके लिए ऐसे स्टेप्स ज़रूरी हैं और स्टेट लैंग्वेज और इंग्लिश का आंसर है। अब होमोसेक्सुअलिटी 377 की बात की है, ऑर्डर के एपिसोड में हमने आपको बताया था, अगर आपने देखा होगा तो आपके 4 नंबर पूरे पूरे पक्के थे। 377 को शट डाउन किया गया था और केस का नाम था नवतेज सिंह जौहर वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। अब 262 रिपोर्ट, लॉ रिपोर्ट किसके बारे में की गई थी, 262 जो लॉ रिपोर्ट थी वो आई थी डेथ पेनल्टी के बारे में, कि डेथ पेनल्टी सब केसेस में होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। ये बच्चन सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में ही बताई गई है कि डेथ पेनल्टी रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट केस में देनी चाहिए। अब जब डेथ पेनल्टी के बारे में बात हुई है तो 262 लॉ रिपोर्ट का आता है यहाँ पर जिक्र, और यही था आपका क्वेश्चन। अब हबियस कॉर्पस रिट से भी एक क्वेश्चन आया था, बुलवर्क शब्द किससे रिलेटेड है वो दिया गया था, तो बुलवर्क होता है हबियस कॉर्पस से रिलेटेड। हबियस कॉर्पस में आप अपने डिटेंशन के लिए पर्सनली लेवल पर आप जाकर सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं, सीधा हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं, रिट लगा सकते हैं। 5 तरह की रिट होती है, आपसे चाहूंगा कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे कौन कौन सी बाकी तरह की रिट्स बची हुई हैं। अब स्टेट और सेंट्रल रिलेशन कमेटी को क्या कहते हैं, स्टेट और सेंट्रल रिलेशन कमेटी को कहते हैं सहकारिता विभाग। ये दोनों ही स्टेट और सेंटर के बीच में सामंजस्य बैठाने के लिए एक विभाग बनाया गया है, बिहार में भी है और भी स्टेटों में है, तो आप देखकर बताइए कि कहां कहां ये पर नहीं है। अब जनरल एक्सेप्शन आईपीसी में कहां दी गई है, ये जब मैं क्वेश्चन देखता हूं, 2-4 क्वेश्चन मैंने देखे हैं,
जो अगर आप लॉ करते हुए स्टूडेंट्स को किसी और यूनिवर्सिटी से पूछ लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि लॉ करने वालों को भी अच्छे से ये चीज़ें याद होंगी। तो आप एस्पिरेंट से कैसे उम्मीद कर रहे हैं कि उन्हें याद हो जनरल एक्सेप्शन कहाँ पर दी गई है आईपीसी में? वैसे चैप्टर 4 में दी गई है, लेकिन स्टिल ये क्वेश्चन थोड़ा आउट ऑफ द कंटेक्स्ट था, मेरे को समझ में नहीं आया क्यों दिया गया है। ऐसे एक दो क्वेश्चन और हैं, एक रेन रिलेटेड क्वेश्चन भी आया था, वो क्वेश्चन मेरे को बिल्कुल क्लियर नहीं हुआ है, इसलिए उसका आंसर भी मैंने क्लियरली नहीं दिया है। अब एक क्वेश्चन आया था कि ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के बारे में, इनमें से कौन से में अनलिक्विडेटेड डैमेजेस मिलते हैं? अगर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होता है तो अनलिक्विडेटेड डैमेज मिलते हैं। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में जो है, कॉन्ट्रैक्ट अगर पहले से ब्रीच होता है तो उसके लिए कोई कंपनसेटरी डैमेज या फिर कुछ भी होता है वो कॉन्ट्रैक्ट में ही इंक्लूडेड होता है, लेकिन टॉर्ट्स में ऐसा नहीं होता, क्योंकि टॉर्ट्स जो है वो राइट एंड रेम है, पूरी सोसाइटी के खिलाफ आप कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपके साथ सिविल रॉन्ग हो रहा है तो आप टॉर्ट्स के अंडर जा सकते हैं, और ये टॉर्ट्स का क्वेश्चन था। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट जो है वो है अनलिक्विडेड डैमेज। अब अगला क्वेश्चन जो हमारा इसी से आता है, राइट एंड रेम। राइट दो तरह के राइट्स होते हैं, राइट इन रैम और राइट इन परसोना। राइट इन परसोना होते हैं जो हमारे पर्सनल राइट्स होते हैं, और राइट इन रैम होते हैं जो हम एट सोसाइटी पे ज्यादा लोगों पे वो कर सकते हैं। जो कॉन्ट्रैक्ट है वो राइट इन परसोना है, और जो टॉट है वो राइट इन रैम है। तो ये टॉट रिलेटेड क्वेश्चन था। अब अगला क्वेश्चन जो आता है, 30वां क्वेश्चन, वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज, मतलब नेशनल पार्टी कब रिकॉग्नाइज की जाती है, उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसके लिए है कि आपके पास 6% लोकसभा या लेजिस्लेशन वोट्स होने चाहिए टोटल वोट्स में से, वो है नेशनल पार्टी को डिक्लेयर होने का एक क्राइटेरिया। अब आप मुझे ये जरूर बताइएगा कि इंडिया में कौन कौन सी पार्टीज जो हैं उन्हें नेशनल पार्टी का दर्जा हासिल है। एक क्वेश्चन आया था मलिमत्स कमीशन के रिगार्डिंग, मलिमत कमेटी की रिकमेंडेशन क्या थी? अब वो थी कि रिफॉर्म्स इन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में क्या था कि हमारे जो मानते हैं कमेटी में, जस्टिस ने जो बताया है, जस्टिस मलिमत ने, वो ये बताया है कि जो हमारा सिस्टम है वो अक्यूज्ड की तरफ जो है वो ज़्यादा फेवर करता है, ना कि विक्टिम की, ना पर यहाँ पर सुनाई है ना कुछ और है। उसके बाद से विक्टिम के लिए नए नए लॉज लाए गए, यहाँ पर CRPC में अमेंडमेंट किए गए ताकि विक्टिम्स के भी राइट प्रोटेक्टेड रहें, तो वो आया मलिमत कमीशन से। अब कॉमन कॉज एनजीओ वाला केस दोबारा पूछा गया है, राइट टू डाई विद डिग्निटी। अगर आपने एक वीडियो हमारी वो देखी होती तो आपके 20 या 25 नंबर तो वहीं से ही बने पड़े हैं। अब 33वां क्वेश्चन जो आया था वो था नेशनल एंथम का केस, कौन सा केस है? वो है बिजॉय इमैनुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। इसमें तीन बच्चों का केस है ये, बिजॉय इमैनुअल 15 साल का होता है, नेशनल एंथम गाने से वो तीनों मना कर देते हैं, तो भाई ये राइट टू फ्रीडम के अंडर आता है कि नहीं आता है? अब आप मुझे ये जरूर बताइएगा कि नेशनल एंथम और नेशनल फ्लैग को रिस्पेक्ट करना कहाँ पे दिया गया है, DPSP के कौन से आर्टिकल में दिया गया है? इतना डीप छोड़ दिया है, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। अब इस केस में क्या होता है, जो सुप्रीम कोर्ट है वो उन्हें आज़ादी देता है कि भाई ज़रूरी नहीं है कि आप, ज़रूरी नहीं है कि आप उसमें जाएं और नेशनल एंथम गाना आपके लिए ज़रूरी है कि नहीं है। अब 34वां क्वेश्चन आता है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी के हेड यानी डायरेक्टर जनरल के बारे में पूछा गया था, आंसर था यूके अमानो। उसके बाद तीन क्वेश्चन आते हैं सीरीज से, सीरीज के क्वेश्चन के मैं सीधे आंसर बता रहा हूँ, अगर आपको याद आते हैं तो ठीक है, नहीं आते हैं तो कोई ज़्यादा खास जरूरत नहीं है। एक का आंसर था HKQ, दूसरे का आंसर था CGO, तीसरे का आंसर था EJT। फिर पूछा गया था अटॉर्नी जनरल इज इक्विवेलेंट ऑफ, किसके इक्विवेलेंट है? वो है अटॉर्नी जनरल के। 39th क्वेश्चन आ जाता है सीरीज का ही, ADG का। उसके बाद फिर दो सीरीज के क्वेश्चन हैं, फिर एक क्वेश्चन पूछा गया है कि ट्रेडमार्क कितने साल के रिन्यू करवाया जाएगा, वो है 10 साल इसका आंसर। फिर एक क्वेश्चन आया था सिटिंग अरेंजमेंट का, तो उसमें F जो है वो G और D के बीच में बैठा हुआ है, तो मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन मेरे को क्लियर नहीं है, मेरे पास सीधे आंसर आए हैं। अब एक क्वेश्चन था एग्रीमेंट का, ए वॉन्ट टू सेल हिज हाउस एंड ही हैव 2 हाउसेज, तो एग्रीमेंट जो है वो क्या होगा? अब अगर उसके पास 2 हाउस है और उसने स्पेसिफिकली नहीं बताया कि मैं कौन से हाउस की बात कर रहा हूँ, हाउस 1 या 2 की, तो वो जो एग्रीमेंट है वो वॉइड होगा। अब प्राइम नंबर की एवरेज पूछी गई थी कि 20 से 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर आते हैं, उनकी एवरेज बताइए, तो आंसर आता है 35.8। उसके बाद पूछा गया था फीफा वर्ल्ड कप से क्वेश्चन, तो अगर फीफा वर्ल्ड कप से कोई भी क्वेश्चन होगा तो इस इन्फॉर्मेशन से आपका सॉल्व हो ही रहा होगा कि 2010 में ब्राजील में हुआ था, 2014 में साउथ अफ्रीका में हुआ था, 2018 में रशिया में, और 2022 में कतर में होगा फीफा वर्ल्ड कप। अब डॉक्ट्राइन ऑफ ट्रांसफर ऑफ मेलिस के ऊपर भी क्वेश्चन आया था, जो है सेक्शन 301 आईपीसी में दिया गया है। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आपने गोली चलाई, आप ए हैं और आप बी को मारना चाहते थे, लेकिन गोली सी को लग गई, तब भी उस केस में भी जो आपकी लायबिलिटी है वो ट्रांसफर होगी। इंटेंशन यहाँ पर छोड़ दीजिए आप, जरूरी होती है मैंस रिया और
एक्टर से दिया किसी भी क्राइम को रूल करने के लिए, लेकिन अगर आपकी इंटेंशन नहीं थी फिर भी यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ मलिस लगेगी और आपको पनिशमेंट मिलेगी। अब इनक्वेट क्राइम्स वो होते हैं जो इनकम्प्लीट क्राइम होते हैं, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, लेकिन किन इनकम्प्लीट क्राइम्स के लिए आपको सजा मिल सकती है? तो अगर आप बम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, तो भले ही वो आपने बम प्लांट नहीं किया, बम फटा नहीं है, इनकम्प्लीट क्राइम है, लेकिन उसके लिए भी आपको सजा मिल सकती है। तो कॉन्स्पिरेसी इसका आंसर था, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। अब दो इडियम पूछे गए थे, इन कैमरा का मतलब होता है इन सीक्रेट, इन प्राइवेट, लॉ की भाषा का ये शब्द है, इसे आप यूज कर सकते हैं आगे भी। अब फ्लॉगिंग ऑफ डेड हॉर्स, अगर डेड हॉर्स भी पूछा था या फ्लॉगिंग ऑफ डेड हॉर्स पूछा गया था, तो इसका मतलब होता है वेस्ट एफर्ट, व्यर्थ में ताकत लगाना, अगर मैं पूरे दिन वीडियो बनाता रहूं और उसके आपको फायदा ना हो, तो आई एम डूइंग द सेम, जैसे डेड हॉर्स वाली बात होती है, फ्लॉगिंग द डेड हॉर्स वाली। फिर एक जनरल ऑफर से क्वेश्चन आया था, जनरल ऑफर वो होता है जिस ऑफर में पब्लिक एट लार्ज को इंक्लूड किया जाता है, यानी जनरल ऑफर में अगर मैं कोई ऑफर दे रहा हूं तो उसे कोई भी पूरी पब्लिक में से अवेल कर सकता है। ऐसा ही पहला केस आएगा आपके लिए, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मॉल स्मोक बॉल कंपनी, अगर आप लॉ पढ़ने आएंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी में, कॉन्ट्रैक्ट में पहला केस ही जनरल ऑफर के ऊपर है, तो वो आपको देखने को मिलेगा और हम चाहेंगे आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसे पढ़ें। फिर एक एवरेज का क्वेश्चन था, तो उसके बारे में मैं डिस्कस नहीं करूंगा। 53rd क्वेश्चन था कॉग्निजिबल ऑफेंस का, कॉग्निजिबल ऑफेंस कौन से होते हैं, उसमें पूछे गए थे इनमें से कौन कौन से हैं, तो शायद सारे यहाँ हैं आंसर। कॉग्निजिबल ऑफेंस वो होते हैं जिसमें पुलिस को वारंट की जरूरत नहीं है, वो बिना वारंट के किसी को भी अरेस्ट कर सकती है, वो होता है कॉग्निजिबल ऑफेंस। अब बच्चन सिंह वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का केस आया था, तो इसमें डेथ पेनल्टी से रिलेटेड था ये केस, और डेथ पेनल्टी का मतलब उसमें ये दिया गया था कि रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट केस में डेथ पेनल्टी दी जाएगी। क्लॉक का क्वेश्चन आया था, डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट। आगे बढ़ते हैं, आखिरी के 4-5 क्वेश्चन हमारे बचे हैं। 2018 IPC किसके लिए था? सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस के ऊपर था, अमेंडमेंट जो आया था विशाखा के केस के बाद आया था। फिर रिट के बारे में पूछा गया था, प्रोहिबिशन के बारे में, तो प्रोहिबिशन होती है किसी भी एक्शन को प्रिवेंट करने के लिए। बाकी 4 रिट कौन कौन सी बच गई हैं, एक हमने प्रोहिबिशन बात कर ली, एक हबियस कॉर्पस बात कर ली, बाकी 3 के नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और 10th शेड्यूल की हमने बात की थी कल, तो एंटी डिफेक्शन लॉ ये क्वेश्चन था, आर्टिकल 20 और 21 में अमेंडमेंट हुए थे 59th अमेंडमेंट से। तो ये हो गए हमारे आज के 60 क्वेश्चन, उम्मीद करते हैं आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही हों, अगर सही ना भी हों तो डिप्रेस होने की कोई बात नहीं है, अगला अटैम्प्ट आपके लिए ही है। इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए, भारत माता की जय, जय हिंद।